ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੰਗਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 28 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਜੰਗਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। तो ये चड़पन आज यहाँ पंजाब क्षेत्र में पहुँचे तो इस धरती पर जब उन्होंने अपना साधना के लिए जगह ढूंढी तो साधना के लिए मैदान थे एकदम जहाँ खेती बाड़ी होती थी, तो बाबा जी की यहाँ अपने धुनी लगा के बैठ जाते हैं। जो धुना आज भी यहाँ चेतना है उनके हाथ का लगा हुआ अखंड धुआं चलता है। तो जिनके जो खेत के मालिक थे वो खेत के मालिक देखने लगे कि हमारे खेत में कोई संत तप करने बैठा। वो नास्तिक लोग किसान लोग जो जमींदार जहाँ रहते थे तो बाबा जी के पास आए, वो कहने लगे बाबा जी है हमारा खेत सो दो, आप किसकी इजाज़त से यहाँ धुआं लगा के बैठ गए हो, कल को यहाँ कब्जा कर लोगे। तो बाबा जी समाधि में इतने लीन थे, भजन में इतने लीन थे कि उनको बाहर की दुनिया का कोई चेतन नहीं था, कोई ध्यान नहीं था। तो वो लोग किसान जो जमींदार लिखने लगे कि बाबा पखंड कर रहा है, 5-7-10 बार कहने पर भी बाबा नहीं खड़े अनाज जी, तो क्रोध में आके बाबा के ऊपर उन्होंने सुहागा चढ़ा दिया, बैल समेत सुहागा चढ़ा दिया। जब जहाँ सुहागा चढ़ा दिया तो बाबा की समाधि टूटी। तो सिर बार चढ़पन आई ने अपनी फिर रात 12 बजे करीब उन्होंने योग माया से अपनी तप बल से हिमाचल से यहाँ हवा पवन व्यवस्थित जंगल इकट्ठा करना शुरू किया। करीब 4 बजे तक बाबा जी अपना हवा के मार्ग से माध्यम से ये वन एकत्र करते रहे। तो जब सुबह प्रातःकाल हुई तो जो आसपास गांव के जो लोग थे तो सुबह जब बाहर खेतों को निकले जहाँ कार्यक्रम अपने काम को निकले तो अचानक किसी को कोई भक्त को ऐसे अचानक अपना आसमान को तो देखा, आसमान से ऊपर तो ये वृक्ष हवा में उड़ते आ रहे थे, 90-90 फीट के 100-100 फुट के जो वृक्ष जड़ समेत उखड़ के आ रहे थे। कहाँ जा रहे ये देखते हैरान रह गए वो लोग। वैसे फिर खड़बड़ी मच की, दुआई मच की, फिर देखो लोगों ये दरख्त उड़ते आ रहे हवा, कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई पवन रूप से आ रहे ना। तो बीच में कोई जंगली जानवर कई तरह के और बेल पौधे लता कई जड़ी बूटियाँ कई तरह के वृक्ष जिनका आज तक इनका कोई बता नहीं सका कि कौन से क्वालिटी के किस्म वृक्ष हैं यहाँ। इस जगह पर हमने देखा कि कुंड भी है यहाँ पर, हाँ। 3 कुंड हैं, वो क्या है थोड़ा उसके बारे में? जो कुंडों की बात आती है, जब बाबा जी को सुहागे चढ़ा दिया था तो सुहागे के आगे जब भिड़े थे उनके अंगों से रक्त बहने लगा था और उसी टाइम जो यहाँ से ज़मीन से जल निकलना शुरू हो गया था। 3-4 जगह पे कुंड बने हुए हैं और एक गुप्त गंगा बोलते हैं, वो भी आज अक्सर चलती रहती है, जो गंगा चलती है। और ये कुंड जो 3 बने हैं इनका जो नाथ संप्रदाय के ग्रंथों में इनका इतिहास है, उनका नाम दर्ज है, ब्रह्म कुंड है, रुद्र कुंड है, विष्णु कुंड है। उन कुंडों की मान्यता जी बाबा जी ने सिवा दे रखा है कि इस कुंडों में जो कुछ स्नान करेगा, जिनके खाज फोड़ा फिंसी कोड़ मोका ददरी कुष्ठ रोग कई तरह की बीमारी यहाँ ठीक होगी, और जिनके माता बहन के जहाँ संतान की उत्पत्ति नहीं होती है
जो संतान वंचित रहते हैं, जो इंसान यहाँ आके स्नान करेंगे तो उनके घर में गोदहरी होगी, उनके संतान कृपा होगी, बाबा का आशीर्वाद जो दिया हुआ है। और ये जंगल ऐसे ही हरा भरा रहता है, ये एक मानता ये भी है क्योंकि कभी पतझड़ नहीं आती है, और इस जंगल की लकड़ी आज तक कोई नहीं छेड़ता। अगर कोई आज भी इनको कोई छेड़खानी करता है जंगल के साथ, तो उनके दुर्दशा मारी होती है। एक देखा गया है कि एक धुना अभी तक स्थापित है यहाँ पर, वो क्या है थोड़ा उसके बारे में बताइए। जो धुना श्री नाथ जी का, जो सिद्ध बाबा चड़पन राय का धुना है, इसी धुना बाबा जी ने चेतन करके इसी धुने में तप करने बैठे थे। लगभग 1600-1700 वर्ष पुराना ये धुना अखंड चलता है रात दिन। और धुनी की खासियत यह है कि बाबा की यहाँ की कोई भी लकड़ हम लगाते हैं धुने पे, और कभी इसका कोयला नहीं बनता है। जो भगवती बनती है, राख बनती है, जो राख भक्तों को प्रसाद में दी जाती है, ये चमत्कारी राख लोग दूर दराज से आके अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, ये बाबा की मानता है। ऐसी चटपट बनी दा चमत्कारी जंगल जिसनों देखने के लिए लोग दूर दराडे इलाके तो आते हैं, अते लोकां दी इस आस्था दे कारण ही अज यह जंगल सुरक्षित है। पठानकोट तो जतिन शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब।